राजगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का 13 महीने का कार्यकाल आज तक के इतिहास का सबसे निराशाजनक कार्यकाल रहा है। साथ ही साथ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव झूठ के आधार पर जीता और अब वह लोकसभा चुनाव में भी झूठ का सहारा लेकर चुनाव में उतरना चाहती है, लेकिन काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, इसीलिए प्रदेश की जनता कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देगी। बीस हजार एक साल एक महीना यानी 13 महीने की सरकार और एक ऐसी सरकार जो एक काम गिना नहीं सकती है 13 महीने, जो जनहित का एक काम किया। बहुत बड़ा वक्फा होता है, शुरू शुरू में सरकार की चमक भी होती है, परंतु सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसको हिमाचल की जनता रिलिश करे, जिसके प्रति और आभार व्यक्त करे। इन्होंने एक साल का जश्न मनाया, हमने पूछा किस बात का जश्न है, तो उसका उत्तर आज तक नहीं आया। अभी तक लगभग लगभग 300 मर्डर एक साल के अंदर हो चुके हैं। बहनों के साथ वो बलात्कार की बात हो, वो मॉलेस्टेशन की बात हो, उनके अपमान की बात हो, उसका एक जीता जागता उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने जिले के अंदर बहन के बाल काटकर मुंह काला करके उनको सड़कों पर घुमाया जाता है और हमारी सूचना के अनुसार अभी तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं। हमने प्रदेश को क्या दिया एक साल में? महंगाई का बहुत बड़ा इनाम। कांग्रेस सरकार बनी, बीजेपी की जयराम ठाकुर की सरकार ने 7 रुपए का एक्साइज रिलैक्सेशन दिया था डीजल के ऊपर। हिमाचल में पूरे नॉर्थ में सबसे सस्ता डीजल हिमाचल वासियों को मिल रहा था, आते ही इन्होंने 7 रुपए का उसके ऊपर एक्साइज लगा करके लगभग 2500 करोड़ रुपया सामान्य समाज की जेब में से निकाल। आपने राशन की दालें महंगी कर दी, राशन का तेल महंगा कर दिया, आपने बिजली के ऊपर ड्यूटी लगा दी, आपने पानी महंगा कर दिया, आपने 125 यूनिट बिजली जो फ्री मिलती थी उसके ऊपर भी राइडर लगा दिया, जो 4 यूनिट पर डे कंज्यूम करेगा उसी को ये रिलैक्सेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। एक साल के अंदर वर्तमान सरकार की ये देन है। आपने कहा था हम 1 लाख सरकारी नौकरियां, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली कैबिनेट में देंगे। सिर्फ सुखविंदर जी ने नहीं कहा, सिर्फ उप मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, इनके सभी विधायकों ने कहा, इनके राष्ट्रीय नेताओं ने कहा, प्रियंका जी ने कहा 70,000 पद खाली हैं, 30,000 सृजित करेंगे, 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट के अंदर देंगे। आपने हिमाचल की जनता को पिछले 13 महीने में एक भी नौकरी नहीं दी, 10,000 नौकरियां छीनने का काम वर्तमान सरकार ने किया।